हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सैयद अहमद और आज मैं आप लोगों के लिए लिख के आया हूँ कैसे एक क्लिक में और एक मिनट में आप एक फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को ए टू जेड इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए, पहले मैं एक क्रोम ब्राउज़र से मैं इस दिखाता हूँ, बाद में मैं प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर के बारे में बोल देंगे और लिंक भी वीडियो के नीचे दे देंगे। ठीक है, पहले मैं एक फ़ोटो सर्च कर लेते हैं, कौन सा भी एक फ़ोटो लेता है मैं, तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा है कैसे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, ये दिखाता है आपको। पहले ये फ़ोटो मैं लेता है लेंगे और मैं पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करता है और आपको ए टू जेड देखना है इसमें कैसे सिखाएंगे। साथ इसमें टाइप करना है आपको रिमूव बिजी, जस्ट पहले जो लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए सिस्टम आ गया है, ये वेबसाइट से कर रहे हैं पहले। देखिए ऐसा आ जाएगा, आपको जो मन चाहिए वो बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। तो पहले आपको आप इमेज अपलोड करना है इसमें, इमेज अपलोड ये ओपन हो रहा है। अब इसमें मैं फोटो अपलोड करता है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. एक फ्रेंड है तो मेरे फ्रेंड का फोटो लेता है मैं और ये ऑटोमेटिक अपलोड हो रहा है इसमें। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, तो एडिट में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये कम्प्लीटली अभी बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, तो इसमें थोड़ा एडिट करना है अभी। देखिए एडिट ऑप्शन ऊपर दिखा रहा है क्रोसिन के साइड में, तो एडिट देखिए लोडिंग हो रहा है, इसे दिखाएगा पूरा। तो अब मैं आपको दिखा रहा है कि बैकग्राउंड अगर आपको सॉलिड कलर में चाहिए तो नीचे के लाइन पे है, देखिए सॉलिड कलर भी है, कौन सा चाहिए। जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाता है ना, वो भी इसमें कर सकते हैं आप लोग। देखिए उसमें लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाता है सब कुछ, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। देखिए अभी फ़ोटो का बैकग्राउंड भी देखिए ऑटोमेटिक इसमें चेंज दिखा रहा है, आपको जो चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो, आपको दिखा रहा है। और इसमें बैकग्राउंड ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको अगर दूसरा कुछ लगाना है तो इसमें ऊपर साइड में दिख रहा है सेलेक्ट फोटो बोल के एक ऑप्शन है बैकग्राउंड के नीचे, तो इसमें टच कीजिए और कौन सा बैकग्राउंड चाहिए इसमें से आप सेलेक्ट कर दीजिए बस। एक हम सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो। देखिए मैं अभी से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, सुन रहा है बैकग्राउंड दे सकते हो। जैसे इसमें देखिए समंदर का पार्क है, तो इसमें मैं यूज़ करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आ गया है। जैसे इसमें कुछ नहीं गया ना, बस डाउनलोड करो पेरिंग डाउनलोड इमेज डन। देखिए हो गया, अभी दिखाता हूँ, देखिए आपका फोटो कम्प्लीट हो गया। तो ऐसे करके आप फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखा दे सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए इसके लिए। वेबसाइट सेव करोगे तो जैसे गूगल में टाइप करो कि रिमूव बिजी और इसमें आ जाएगा। और मैं इसमें दिखाता है प्ले स्टोर में रिमूव बिजी, तो इसमें आ जाएगा, ऊपर ही दिखाएगा शायद, तो फ्री आया है।
तो इसमें आप ज़्यादा एमबी का नहीं है, 2.5 एमबी का है और डाउनलोड्स 1 मिलियन प्लस है, तो अभी इसमें डाउनलोड करके चल सकते हैं। सेम है लेकिन वेबसाइट में थोड़ा स्पीड होता है मेरे ख्याल से, तो इतना ही इसके लिए। तो अगर